बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा, कहा महिलाओं से ना जाने क्या समस्या है कांग्रेस को, कांग्रेस चाहती ही नहीं कि महिला सशक्त हो। अमीन कागजी के बयान पर उन्होंने आड़े हाथ लिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने श्रवण कुमार के बयान पर भी उन्हें घेरा, कहा कांग्रेस किसी ना किसी बहाने से संत समाज और साधुओं पर भी अनर्गल बयान देती है, कांग्रेस को सनातन से ही समस्या है। दिया कुमारी ने कहा क्या कुछ कहा वो अब आपको सुनवाते हैं। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है, इस तरह के बयान इनके MLAs दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे, इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके MLA कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। और देखिए बीजेपी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना बड़ा पद दिया, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री, यहाँ भी महिला वित्त मंत्री बनाया है, तो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा कदम है, उससे इनको आपत्ति, इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है और ये बहुत गलत बयान है। और जो साधुओं की इन्होंने इस तरह से बात की है ये भी बहुत गलत बात है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इनके सारे जो इनका जो ये गठबंधन है वो पूरा का पूरा सनातन विरोधी गठबंधन है। पहले भी इन्होंने सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे इनके लीडर्स ने, और आज भी उसी दिशा में चल रहे हैं, और जनता ने देख लिया है कि किस तरह की मानसिकता रखती है ये पार्टी, और बहुत ही गलत।